वो ये है कि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनरल लॉयड ऑस्टिन जो हैं, जो अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस हैं, वो अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। हमें वो ये है कि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनरल लॉयड ऑस्टिन जो हैं, जो अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस हैं, वो अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। सही हो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। और खुद भारत आ रहे हैं और भारत में उनका जो दौरा है, उस दौरे के दौरान एक तो राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे, उनके काउंटर पार्ट हैं, और दूसरा ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात हो रही है क्वाड, जो क्वाड का हम जिक्र बहुत करते रहे हैं इस प्रोग्राम में, क्वाड समिट इसी महीने एक प्लान हो रही है वर्चुअल, लेकिन ये जो आ रहे हैं ये तो खुद बनफसे नफीस आ रहे हैं खत्ते में। जो मुलाकात प्लान हो रही है वो मुलाकात प्लान हो रही है वर्चुअली, यानी ऑनलाइन, और वो प्लान हो रही है बाइडन और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जापानीज प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के दरमियान क्वाड के सरबराहान की। और उससे पहले जो है वो सेक्रेटरी डिफेंस आ रहे हैं यहाँ पे और दिल्ली, और दिल्ली से वो जाएंगे जापान, जहाँ पे एंथनी ब्लिंकन पहुंच रहे हैं। यानी एंथनी ब्लिंकन जो है वो जापान और उसके बाद वो गालिबन ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, यानी ये खत्ता जो है एकदम से दोबारा बाइडेन जो हैं, हालांकि उनके सऊदी अरब के साथ मामला इस वक्त ऊपर नीचे हैं, हालांकि ये कि सीरिया में फिर बॉम्बिंग हो रही है, हालांकि ये कि तुर्की और ईरान के दरमियान बदकिस्मती के साथ, मैं इस बात को नहीं कहता लेकिन अब चूंकि तुर्की के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, डेली सभा ही कह रहा है, और ये बड़ा रेयर होता है कि उनका मीडिया, जब जाहिर है कि मामला ज्यादा उनका जो सिंजार का सूबा है, वहां ये सूबा जो है ये तुर्की एक तरफ है, इसके एक साइड पे है, इसके ईरान एक साइड पे दरमियान में है, तो अब उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि टर्की ईरान टेंशन ऑन राइज अहेड ऑफ पॉसिबल सिंजार ऑपरेशन। वो कहते हैं कि जो कुर्द बागी हैं वहां पे, जो तुर्की में दहशतगर्दी करते रहे हैं और जिनको तुर्की एक दहशतगर्द तंजीम समझता है, तुर्की का ये कहना है कि जी ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है, ईरान की तरफ से उसको डिनाई किया गया है, लेकिन तुर्की जो है वो उस सूबे में एक अस्करी ऑपरेशन प्लान कर रहा है, और उसके बाद फिर टेंशन्स ये बढ़ जाएंगी, और नहीं बढ़नी चाहिए, बहुत अफसोसनाक होगा, लेकिन ये एक मामला ऐसा है जिसके ऊपर चूंकि उनका मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कोट कर रहा है, टीवी चैनल्स भी, बाकी भी, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिम मालिक के आपस में दरमियान बड़ी कशीदगी है, तो तुर्की और ईरान के दरमियान ये एक नया पॉइंट आ रहा है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये कि ईरान जो है, ईरान और तुर्की बराह रास्त एक स्टेक होल्डर हैं अफगानिस्तान के हालात में, ये ध्यान में रखें तो। और ये जो मीटिंग प्लान हो रही है, अच्छा अगली मीटिंग जो प्लान कर रहे हैं अमेरिकन, वो प्लान दोहा में नहीं कर रहे बल्कि वो तुर्की में प्लान कर रहे हैं। अब तुर्की में यानी तुर्की में दो पार्टीज की मीटिंग, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी तक उन्होंने जगह नहीं बताई कि वो किस कहां पे होगी, यूरोप में होगी, अमेरिका में होगी, कहां होगी, लेकिन जो अगली मीटिंग होगी दो पार्टीज की, वो कह रहे हैं कि उसके लिए हमने तुर्की से गुजारिश की है कि वहां पे दो पार्टीज का एग्रीमेंट हो जाए। अच्छा दो पार्टीज का एग्रीमेंट जैसे ही होगा तो अशरफ गनी की, जैसे साइन करेंगी दो पार्टी तो अशरफ गनी की हुकूमत गिर जाएगी। अब सवाल यह है कि अशरफ गनी तो नहीं मान रहे, तो उस तरफ से कौन साइन करेगा? लेकिन ये जो खत लिखा है एंथनी ब्लिंकन ने, एक तो ड्राफ्ट तुलू न्यूज ने उनके पास आया, उन्होंने दिखा दिया, एंथनी ब्लिंकन का जो लेटर है जो सामने आया है, जिसको तुलू न्यूज और बाकी दुनिया भी कोट करी, उसमें एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि हम 1 मई को मुकम्मल इनखला का ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इसमें जो है ये दिलचस्प नहीं, बड़ी अजीब सी एक बात उन्होंने की है कि अभी तक हमने 1 मई को हमने निकलना है या नहीं निकलना, ये हमने अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं किया। ठीक है, अच्छा जी, और उसके नतीजे में देखें वहां ऑलरेडी वायलेंस बढ़ गया है अफगानिस्तान में, क्योंकि ये पीस आज भी वहां पे डेथ्स हुई हैं, पहले वो मीडिया के लोग हिट हुए थे मुसलसल, तो अब मसला ये है कि अमेरिकन ने पहली दफा ये बात की है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि हमने 1 मई का ऑप्शन रखा हुआ है, लेकिन ये आपको हम खत लिख रहे हैं और साथ ही ये ड्राफ्ट सामने आ गया है। लेकिन जो पूरी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो अचानक क्वाड पे चली गई, देखिए यूरोप में उनके करीब तरीन इत्तेहादी जो हैं वो, जैसे नेटो है, जैसे वहां पे आर्मेनिया का, आज म्यांमार में बहुत बड़ा, दोबारा इतवार का दिन फिर लोग निकले हुए सड़कों पे और लोग अंदर नहीं जा रहे, वहां पर जो एक्सपेरिमेंट था कू का वो फेल हो गया और वो एकदम से बैकबर्नर पे चला गया।
इसको जो चाइना है ये क्वाड की जो मीटिंग के लिए खुद सेक्रेटरी दिफा आ रहे हैं, तो इसको चाइना जो है वो इसके ऊपर बड़ा अग्रेसिव रिस्पांस दे रहा है और दे सकता है, लेकिन वो ठीक अमेरिका है, को तो नहीं। वो तो एक आप समझे पेचीदा सी जंग है जिसमें इंडिया जो है वो रिक्वेस्ट करने जा रहा है अमेरिका से इस विजिट के दौरान गालिबन ये इससे पहले कि हमने S-400 डिफेंस जो मिसाइल सिस्टम जो हमने रशिया से सौदा किया है, तो हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगी थी वेवर्स थे उनको हटा दिया जाए। जी डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते वो हैं। पाबंदियां 2017 में लगाई थी और वो लगाई थी अमेरिका ने चाइना पे, टर्की पे कि आप रशिया से असला नहीं खरीदेंगे, इंडिया पे भी लगी थी। इंडिया ने 5 S-400 का मुआहदा किया हुआ है रशिया के उसको और ईरानी तेल, तो वो इंडिया कहने जा रहा है कि आप हमसे पाबंदियां हटाएं, कि चाइना नॉट थ्रू वैक्सीनेशन म्यूचुअल रिकग्निशन, चाइना भी चला गया है दुनिया के साथ कि ये जो वो चाइना तो बहुत पहले है ना इससे। मैंने आपको बताया कि चाइना तो पहले ही उनकी जो ये वो तो बहुत पहले इस पे जा चुके हैं इस सिस्टम पे QR कोड्स वगैरह पे, तो ये उन्होंने भी कह दिया कि हम वहां से ट्रायल स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी ऑलरेडी इसके ऊपर मौजूद है। और साथ ही दूसरा उनका रिस्पॉन्स ये आ गया कि क्वाड समिट इंडिकेट स्ट्रॉन्ग डिजायर बट डिफिकल्ट रूप इन आसियान कंट्रीज, ये पहला उनका दूसरा रिस्पॉन्स आ गया कि ये जो क्वाड समिट हो रही है और वो बड़ा इसके ऊपर देख रहे हैं मामलात को कि अमेरिका जो है वो 3 तारीख को जो फॉरेन पॉलिसी स्पीच की थी एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी स्टेट ने, उसमें जिक्र नहीं था क्वाड का। ठीक है, सुनो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।